हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स व्लॉग। अगर आपके घर में हैं छोटे बच्चे और वो खाने में बहुत चूजी हैं तो मैं आपको बताऊंगी आज कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे वो हरी सब्जियां भी बहुत ही चाव से खा लेंगे। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैं आज बात कर रही थी हरी सब्जियों की। हरी सब्जियाँ अक्सर बच्चे नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी नुस्खे जिससे कि वो हरी सब्जियाँ बहुत आसानी से बच्चों को खिला सकेंगे। हरी सब्जियाँ हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होती हैं, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, आयरन भी होता है, तो और बच्चों की बढ़ती हुई उम्र के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मेथी के पराठे के बारे में कि आप उनको कैसे बनाएं और बच्चों को कैसे खिलाएं। बनाना तो आसानी है, लेकिन बच्चों को कैसे खिलाएं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मेथी को धोकर साफ़ कर लिया है और मैं इसको छोटा छोटा काट रही हूँ। बारीक बारीक काट लीजिए जिससे कि मेथी अच्छे से आटे में मिक्स हो सके। हरी सब्जियाँ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे बच्चों का अच्छे से विकास होता है। और मैं आपको बताऊंगी और भी मैं बहुत सारी चीज़ें कि बच्चों को कैसे खिलाएं, कैसे प्रेजेंट करें, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैंने ये मेथी काट के रख दी है। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरा किचन थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि आज ही मैं सब्जियाँ लेकर आई थी और मैं सारी सब्जियों को हमेशा वॉश करने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं कि फ्रिज खोलते हैं और उसमें से कुछ भी निकाल कर, कोई भी फ्रूट निकाला, सपोज एप्पल निकाला, और उन्होंने ऐसा मुँह में खा लेते हैं। अगर आपके घर में आपने धो के नहीं रखा है तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है, और धो के रखते हैं तो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो हरी सब्जियाँ नहीं, कुछ बच्चों को क्या पता कि ये कच्चा खाने वाला है या पका खाने वाला है, कोई भी सब्जी निकालेंगे और सीधा बाइट कर लेते हैं। तो अगर आप धो के रखती हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रखी हुई है मेथी और पालक। ये मेथी मैंने साफ़ कर ली है, पालक को भी मैंने साफ़ नहीं किया है। पालक को भी मैं हमेशा साफ़ करने के बाद, धोने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। अभी मैंने बाहर रखी, जितनी भी यूज होनी होगी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको साफ़ करके फ्रिज में रख दूँगी। और ये है मेथी, इसको मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ है। इसे मैं धो करके तोड़ करके सुखा लूँगी, जिससे जब इसका सीज़न नहीं होता है तब भी हम इसको इसके पराठे बनाकर, मेथी आलू की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अब है क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाना है ये मेथी के पराठे। सबसे पहले हम इसका आटा गूंदेंगे। तो आटा अपनी जो उसके हिसाब से ले लीजिए, उसके बाद सारी मेथी उसमें डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे मेथी जब पालक के पराठे में, तो मेथी जस्ट ऐसे नहीं थोड़ा सा डाल दिया नाम के लिए, नहीं, अच्छे से मेथी डालिए उसमें। उससे क्या होगा, बच्चों के पेट में कुछ मेथी, अगर सिर्फ एक पराठा भी खा रहा है तो कुछ मेथी एटलीस्ट उसके पेट में अच्छे से जाएगी। तो अच्छे, मैंने जितनी भी मेथी आपके सामने काटी थी मैंने सारी इसमें डाल दी है। और हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, थोड़ी सी हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जितना भी सभी आप खाते हैं, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालेंगे, उससे अच्छा टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी आता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च से एक तो अच्छा फ्लेवर आता है, दूसरा मैं इसलिए भी डालती हूँ क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मुँह में हरी मिर्ची आ जाती है तो वो थोड़ा सा खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसमें काली मिर्ची डाल लेते हैं, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, पानी बाद में डालेंगे, पहले इसको ऐसे सूखा मिक्स कर लेंगे जिससे सारे मसाले एक साथ, मतलब चारों तरफ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंथ लेंगे। तो जैसे आप आटा को धीरे धीरे गूंथिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, जिससे कि आटा आपका सॉफ्ट रहे, और बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, कई बार गीला हो जाता है आटा। और इसके बाद मैं इसको आटे को अच्छे से गूंथ के थोड़ी सी देर सेट होने के लिए रख दूँगी, जिससे पाँच दस मिनट बहुत होते हैं इसको सेट होने के लिए, उतनी देर रख दूँगी। तब तक मैं ये जो सब्ज़ियाँ मैंने अभी धो के रखी हुई है, इनका पानी निकल गया है और उसे ठीक, मतलब फ्रिज में रखने लायक ठीक हो गई है, मैं फ्रिज में रख दूँगी। मेरा आटा थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाला है, उसको चारों तरफ से मैं साफ़ करके रात को मैं इसे साफ़ कर दूँगी, और पाँच या दस मिनट रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं ये सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि ये सारी सब्जियाँ फ्रिज में रख दूँगी।
पालक को आप, हाँ ध्यान रखिए, पालक को हरी सब्जियों को आप हमेशा साफ़ करने के बाद ही फ्रिज में रखिए। कई बार एक बार सुना था कि किसी ने पालक को रख दिया था, उसके बाद उसमें कोई कीड़ा था, पता नहीं कौन सा कोई जहरीला कीड़ा था, वो उसमें से निकल के दूध के बर्तन में चला गया था, बच्चों को दूध दे दिया था, नहीं देखा, दूध को नीचे बैठ गया वो, बाद में पता लगा बच्चे बीमार हो गए थे, बाद में जब वो बाद में बाहर गए तब उनको पता लगा कि उसमें, बाद में जब वो भगोना खाली गए दूध का तब पता लगा उसमें कीड़ा था। इसलिए हमेशा सब्जियों को धोने के बाद ही फ्रिज में रखिए, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या, बहुत ही अच्छी तरीका है, बहुत अच्छा एक मैनर है कि आप हमेशा सब्जियों को साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद ही फ्रिज में रखिए। तो अब हम बनाते हैं मेथी का पराठा। मैंने गैस ऑन कर दी है, देखिए फ्रेंड्स आज मुझे लग रहा है कि मेरा आटा थोड़ा सा जो है वो हल्का सा गीला हो गया है, क्योंकि मैं सब्जियाँ रखने लग गई थी, सेट करने लग गई थी, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 15-20 मिनट मुझे लग गए सेट करते करते, तो थोड़ा सा आटा मुझे लग रहा है हल्का सा गीला, ज़्यादा देर रुकेंगे नमक डालते थे तो हल्का आटा गीला हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं तो मैनेज कर लूँगी क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मेथी का, हाँ मैं बता रही थी कि आप बच्चों को कैसे खिलाएं, मेथी का पराठा बनाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने का तरीका, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा जिस तरीके से बनाती हूँ मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी अभी कि आप स्क्वायर पराठा कैसे बनाएं, अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो घी की एक लेयर लगाइए, उसके बाद दोनों तरफ से फोल्ड कर दीजिए, फिर से थोड़ा सा घी लगा दीजिए और फिर से दोनों तरफ से फोल्ड कर दीजिए, तो आपकी ये स्क्वायर शेप बन जाएगी। ये देखिए बन गई, कितना इजी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेथी के पराठे सभी लोग नहीं बना सकते, सभी लोग, आप सभी लोग बना सकते हो, सकता है आप मुझसे अच्छा भी बनाते हो, बस मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाती हूँ, मेरे बच्चे कैसे इजीली खा लेते हैं मेथी का पराठा, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ, हो सकता है वो तरीका आपके लिए भी यूज़फुल हो, आपके अगर छोटे बच्चे तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। बाकी आप सभी लोग तो मुझसे भी अच्छे कुक होंगे, सभी लेडीज अपने घर में बहुत अच्छी कुक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो गया है एक स्क्वायर पराठा, अब मैं इसको सेक लूँगी। बच्चे शेप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कई बार बच्चे स्कूलों में बच्चों की बुक्स होती हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, जहाँ भी जो भी चीज़ होती है बच्चों की, इवन बच्चों के कुछ पैटर्न लिखे रहते हैं, वो भी ऐसे लिखे रहते हैं कि बच्चों अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। तो बच्चे खाने का टेस्ट का बस सब चीज़ इतना नहीं पता, लेकिन वो टेस्ट की तरफ, शेप्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो हमेशा इनका ध्यान रखें। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनके वजह से हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं घी में बनाती हूँ पराठे बच्चे के लिए, क्योंकि घी प्योर होता है, हम घर में बनाते हैं, और रिफाइंड ऑयल तो यूज़ नहीं करना चाहिए, पता ही है आपको, और मस्टर्ड ऑयल का भी कुछ नहीं पता। और फ्रेंड्स आलू इसके मेथी का पराठा थोड़ी देर धीरे धीरे सीखता है, तो हमेशा कॉर्नर्स को प्रेस कर करके अच्छे से चारों तरफ इसको सेक लें, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा, मेथी भी नहीं पक पाएगी। तो धीरे धीरे अगर आप पेशेंस के साथ इसको सेकेंगे तो ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक जाएगा। जब इसको पलट के अच्छे से सेक लें, जब ये सेक जाए, और हाँ मैं ये कहने वाली थी कि घी बड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए घी नुकसानदायक नहीं होता है, वो उनकी बढ़ती उम्र होती है, पूरे दिन वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इससे इनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप बेहचक अपने बच्चों को घी खिला सकते हैं। तो अब मैं अपने बच्चों को पराठे सर्व करने जा रही हूँ, तो हमेशा मेरा बेटा, ये मेरी बेटे की प्लेट है ऑरेंज वाली, वो हमेशा इसमें ही ज़्यादातर आप देखेंगे, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो इसमें खाना वो बहुत पसंद करता है, कि क्योंकि वो हमेशा बोलेगा इस वाली प्लेट में, तो खुशी खुशी अक्सर मैं देखती हूँ वो खा लेता है। तो अब मैं सर्व करने जा रही हूँ ये पराठा, मैंने स्क्वायर पराठा रख लिया है। हाँ आप जब भी बच्चों को सर्व करें तो उसका प्रेजेंटेशन भी हमेशा अच्छे रखें, ये मत सोचें कि बच्चा है तो ऐसे ही खा लेगा, उसको रोल करके दे दिया पराठा बना कर बस वो खा लेगा, नहीं उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें, उसको प्रेजेंटेबल बना के सर्व करें, ताकि बच्चों को वो देखने में इतना अच्छा लगे तो वो खाएगा क्यों नहीं, वो खाएगा। तो उसको बहुत अच्छे से सर्व करें, उसको प्रेजेंटेबल मतलब प्रेजेंटेशन उसकी इतनी अच्छी रखें कि वो खाने का उसका खुद ब खुद मन कर जाए। तो ये मैंने स्क्वायर पराठा रख दिया है, बच्चों को ऐसे भी बता सकती हूँ, देखो ये सर्किल पराठा है, ये कितना स्माइल कर रहा है, ये स्माइली है, और ये ट्राइंगल है, ये गुस्से में है, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप उसको, और ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, या ये काइट शेप भी बता सकते हैं उसकी, आप ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, ये काइट शेप है या ये स्क्वायर है। तो मैं दोनों बच्चों को सॉस के साथ पराठा सर्व करके दे रही हूँ, आप देखिए मेरे बच्चे कितने अच्छे से खाएंगे। मेरा बड़ा बेटा तो मूली के, पालक के, इन सब के पराठे खा लेता है, उसको पसंद है,
मेथी के सबके पराठे खा लेता है वो। लेकिन मेरा छोटा बेटा भी देखो अभी सिर्फ 2 साल का है और कितने अच्छे से पराठे को चाव से खा रहा है, उसको भी पसंद है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए बच्चों को खिलाते समय हरी सब्ज़ियाँ खिलानी है उनको, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होती है उनकी सेहत के लिए। और हमेशा अच्छे से अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करके प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी में रखें, जिससे कि वो बहुत ही इंटरेस्ट से खाना खा सके। तो आप अलग अलग तरीके से खाने को अपने को सर्व कर सकती हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।